একদম বল। হ্যালো হ্যালো, হাই গাইস, ভিডিও কো লাইক করো, সাবস্ক্রাইব করো। গুড আফটারনুন ফ্রেন্ডস, কেসে আপ সব আশা করতে কি সব ঠিক হোগে। দেখি অবি আম বৈঠি হুম মে বাহার, সড়ক পে সড়ক পে रोड के बाहर पेड़ के नीचे छाँव में, और ये बैठी है एक पागल मल पर। या, या, या। मैं पागल नहीं हूँ, मैं सिंगल हूँ। जिसकी पागल बना रही है मैं राधिका शर्मा हूँ, ये किरण चौधरी है। तो पास कर रही है राधिका शर्मा। राधिका शर्मा हूँ मैं। मेरा सपना था कि मैं सिंगर बनूँ, पर नहीं भाई। मेरे पेरेंट्स मानते नहीं है। चलो कोई ना, कहते हैं ना अपना टाइम आएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि आज मैं बेकार हूँ। एक जे मेरी हर एक बात का मजाक बनाती है, मतलब बना लो बना लो, आज हम बेकार हैं, एक दिन बनेंगे स्टार हैं। कोई ना, आज टाइम तेरा, एक दिन हमारा भी आएगा। और 2 या 3 महीने के बाद इसकी शादी हो जाएगी, बस फिर ये बनके स्टार। अगर शादी मेरी हुई तो होगी वो मेरे अपनी पसंद से। तो लोग कहते हैं कि कुछ बनो तो मंजिल तक पहुंचोगे, अगर कुछ बन ही नहीं पाए तो यहाँ पे इनकी तरह थोड़ी कोई वीडियो में आकर बर्तन दिखाई दिखा कर टाइम पास करना है। ये सबसे बड़ी स्टार बनेगी, सिंगर बनेगी, सिंगर ना, बहुत बड़े स्टार बनेगी। जिस दिन बन गए ना, उस दिन दुनिया मेरे पीछे होगी और मैं दुनिया के आगे होगी। लोग मजाक बनाते हैं मेरी हर एक कमजोरी का, बट हम कमजोर हैं इन दुनिया के कारण। पर एक दिन ऐसा आएगा कि मेरी कमजोरी एक दिन जो शौकार लोग होते हैं उनके बीच में मिल जाएगी। मैं बहुत बड़ी स्टार हूँ तो मेरे जितना हर कोई है ही नहीं। चलो कोई ना, आज ये स्टार एक दिन हम भी बन जाएंगे, आज ये पैसे वाले एक दिन हम भी पैसे वाले बन जाएंगे। आज इसके बाद शोहरत है, गाड़ी है, बंगला है, हमारे पास कुछ नहीं है, बस ये डर्टी है, बस घास काटने के लिए। ऐसे सब बकवास बोल रही है ये मेरे लिए। कोई मेरे पास गाड़ी बंगला कोई कुछ नहीं है, कोई शोहरत नहीं है, ऐसे बोली है, ये खुद को स्टार बोलती है। चलो कोई ना, हम खुद को स्टार बोल रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा आज यही लड़की एक दिन आपको स्टार बनकर दिखाएगी, तो आपको फिर फीलिंग याद आएगी, हाँ यार इस लड़की ने बोला था कि मैं स्टार बनूंगी। फिर उसी दिन आप मुझसे इंटरव्यू मांगने के लिए आओगे, तो फिर हम कहेंगे आपको इंटरव्यू नहीं देना, इसी के बाद जाओ, आपकी यही फैन है। तो देखिए अभी भी टाइम है दोपहर का, 2 बज रहे हैं, तो हम बैठे हैं यहाँ पे रोड पे, ये है आम का पेड़ है ऊपर। तो अभी ना अंदर लाइट बंद है और गर्मी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा, तो यहाँ पे रोड पे ना काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ जो है वो चल रही हैं, इसी वजह से आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पे बैठे हुए हैं, ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, टाइम नहीं पास हो रहा। तो पहले और भी लोग बैठे हुए थे, अभी हम दोनों बैठे हुए हैं। तो चलिए अब चलते हैं अंदर, कर लेते हैं, करेगी काम, घास काटेगी, घर का काम करेगी। ये भी तो घर का ही काम करती है, जो कौन से ऑफिस में जाकर चेयर पे बैठती है, इसने भी झाड़ू लगाना, खाना पकाना, बर्तन धोने, कपड़े धोने, पोछा लगाना, मैंने सिर्फ घास काटना है, तो ट्यूशन जाना है शाम। तो चलिए चलते हैं अभी अंदर, मैं यहाँ से ना आपको बैक कैमरे से यहाँ का व्यू दिखा देती हूँ, यहाँ पे हम बैठे हुए हैं। तो देखिए ये है हमारे घर का, जो बाहर ही जो जैसे पीर बाबा की जगह है ना, तो वहाँ पे भी एक आम का पेड़ जो है वो लगा हुआ है। तो अभी गर्मियाँ जब आ गई है ना, तो हम यहीं पे आके जो है ना वो बैठ जाते हैं, तो इसके नीचे। तो ये देखिए कितना सुंदर है हमारा, और ये है हमारा गाँव छोटा सा। तो मौसम तो कितना सुंदर है, देखिए अभी आ गई हूँ मैं अंदर रूम में। तो यहाँ पे देखिए, यह दही
ये मैंने ना इसमें चीनी डाली हुई है, तो ये ना मैं एज़ यूजली दही जो है ना वो खाती नहीं हूँ, कभी कभी सब्जी के साथ जो है ना वो ले लेती हूँ। तो कभी कभी ना मेरा काफ़ी ज़्यादा आज ना मेरा मन कर रहा था काफ़ी देर के बाद कि दही में ना चीनी डाल के खाऊं, तो वही मैं खाने लगी हूँ। तो चलिए पहले खा लेती हूँ दही चीनी, फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो देखिए अभी यहाँ पे टाइम हो रहा है शाम के 3 बज चुके हैं, तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया चाय शाम वाली, तो अभी चाय मेरी बन गई है। तो साथ में मैं रात के डिनर की जो तैयारी है वो भी कर रही हूँ साथ साथ में। तो ये सिंपल दाल जो है वो मैंने मिक्स दाल जो है ना वो निकाली है, तो आज मैं ये दाल बनाऊँगी, चावल साथ में थोड़ी सी रोटियाँ बन जाएंगी। तो यहाँ पे शाम की पहले चाय हो जाएगी, चाय पियेंगे फिर उसके बाद करेंगे कुछ काम। और प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी मेरी न्यू वीडियो हो उसके नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपको मिले। तो यहाँ पर देखिए चाय मेरी बन के हो चुकी है तैयार, और यहाँ पे मैंने दाल जो है उसका पानी भी चढ़ा दिया था, पानी अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अभी मैं दाल डाल के तो सारे मसाले जो है वो डाल देती हूँ, तेल वगैरह, फिर इसमें मैं एक टमाटर जो है वो भी काट के जो है ना वो डाल दूँगी, ताकि दाल हमारी अच्छे से पक जाए। तो इसमें 2 या 3 सीटी आने के बाद ये ना अच्छे से पक जाती है, फिर मैं इसमें गर्म मसाला जो है वो ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पर अभी थोड़े से बर्तन रखे हुए थे तो वो मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो बर्तन साफ़ करने के बाद फिर अभी ट्यूशन वाले बच्चे जो है ना उनके आने का समय जो है वो भी हो गया है। तो अभी जो लड़की बातें कर रही थी आपने पहले सुना होगा राधिका, उससे आप पहले भी मिल चुके हैं, वही लड़के जो मेरे जब मैं कपड़े सिलती हूँ तो हैंगिंग वगैरह जो है वो करती है, तो वो ऐसे ही बातें जो किए जा रही थी। आपको तो पता ही है मेरे पास कोई गाड़ी कोई बंगला कोई कुछ नहीं है, मेरा जो भी छोटा सा घर था वो मैंने आपको दिखाया हुआ है पहले ही, और वही स्कूटी है मेरे पास। तो वो ऐसे ही बातें जो है वो बनाती रहती है। तो यहाँ पे आ गए हैं ट्यूशन वाले बच्चे भी, तो अभी मैं इनको पढ़ा रही हूँ ट्यूशन वाले बच्चों को। तो प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी मेरी न्यू वीडियो हो उसके नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपको मिले। और अदर वीडियो जैसे कटिंग स्टिचिंग रेसिपी के रिलेटेड सारे लिंक जो है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी थोड़े से ही बच्चे रह गए हैं, क्योंकि बाकी के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, तो अभी इनके भी हो जाएंगे 17 तारीख को। तो चलिए फिर करते हैं छोटी सी वीडियो को यहीं पे एंड।